पुराने तो कई बार ऐसा होता है कि ये प्लेट वगैरह जो होती है बच जाती है, कप टूट जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कर सकते हैं कि इसमें ये जो अपना इंडोर प्लांट है उसके नीचे इसको रख सकते हैं, ये देखिए इससे पानी वगैरह भी जो होगा प्लेट में ही आएगा। अगर आपके पास कोई सिरेमिक कप या कोई ऐसे टाइप के पड़े हुए हैं पॉट वगैरह, तो आप उसमें इंडोर प्लांट लगा के इवन पत्ते भी अगर डाल के आप रख देंगे तो आपके घर की डेकोरेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये देखिए मैंने, अगर आपके पास ये ऐसी ट्रे है तो उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। मैंने इसको जो यूज़ नहीं करी थी इसमें मैंने इसको रख दिया और कितने अच्छा ये डेकोरेशन पीस बन गया। स्पेस लेना ही ज़्यादा है कोई चीज़ रखने के लिए पॉट के ऊपर, तो जैसे ये कांच का शीशा या कोई प्लेट भी हो आपके पास जो यूज ना हो रही हो तो आप उसमें उसको रख के इसमें ये ऐसे प्लांट रख सकते हैं और ये कर सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा आइडिया है डेकोरेशन के लिए, तो आप जरूर रखना ही। इसके बारे में और एक आपको टिप बता रही हूँ, जैसे हम घर में जैसे किचन में सब्जियाँ वगैरह धोते हैं, ये देखिए उनका पानी होता है जैसे ये मैं छान लेती हूँ, तो ये अभी हम इसमें डाल सकते हैं। अब हम दाल चावल जो भी भिगोएं उसका पानी भी पौधों के लिए बड़ा यूजफुल है। ये देखिए मैंने चावल भिगोए थे और इसका पानी इकट्ठा कर लिया। अब मैं इसको फेंकूंगी नहीं, इनको पौधों में डालूंगी। ये पानी जो मैंने अभी चावल और सब्जियों का इकट्ठा करा था वो डाल दी हूँ अपने प्लांट्स पे। अगर आपके पास यूज चाय पत्ती बच जाती है तो वो भी आप प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिए और अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, ये बहुत यूजफुल है। खाद भी डालेंगे, अगर ये भी डालेंगे तो नेचुरल वे से आपके प्लांट बढ़ेंगे। और ये देखिए अगर ये आपको पसंद आती है तो मेरी अबाउट पौधों के बारे में, तो आप ज़रूर इनको यूज़ कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।